अवैध केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद ब्लास्ट के दूसरे दिन एएसपी अनुकृति शर्मा मौके का जायजा लेने यहाँ पहुँची हैं। कल भी यहाँ पूरा दिन रही थी घटना के बाद, लेकिन आज चूंकि कल इतना होचपोच था तो स्थिति समझ में नहीं आ रही थी, तो यहाँ स्थिति को स्पष्ट समझने के लिए मैम यहाँ पहुँची हैं। क्योंकि आज बम निरोधक दस्ता और अन्य जांच एजेंसी भी यहाँ पहुँची, तो ये तमाम चीज़ें क्या निकल कर अब तक आई और क्या अब तक जांच में निकल के आए, जानने की कोशिश करते हैं सर। मैम जैसा कि आपने बताया कि कल यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ थी और लोगों में थोड़ा भय का माहौल था, तो हम लोग सब स्थिति को नियंत्रण में और मैनेज करने के लिए थे। कल काफ़ी सारे एविडेंसेस हमारे द्वारा कलेक्ट करे गए थे, कई फॉरेंसिक टीम्स को बुलाया गया है। बुलंदशहर के अलावा आगरा से, निवाड़ी से, अलीगढ़ से फॉरेंसिक टीम्स आई थी। आज तड़के 6 बजे करीब भी टीम्स आके पूरा क्षेत्र का मुआयना करके गई, और अब क्योंकि एरिया पूरा शांत है, लोग नहीं है, तो एविडेंस कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और कलेक्शन के लिए हम लोग ने सोचा कि एक बार वापस यहाँ पे आ जाए, इसलिए टीम्स वापस आई। मैम के बम निरोधक दस्ते के लोग भी यहाँ थे। हाँ, कोई भी, क्या आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल्स हैं और संभवतया उन्हीं के मिक्सचर की वजह से इस तरह का एक्सप्लोजन हुआ। कुछ मटेरियल हमें अभी भी दिख रहा है, तो ये सारा फ्यूचर में नुकसान ना पहुँचाए किसी को भी। लोगों में उत्सुकता है तो वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों ने अलीगढ़ से, गाज़ियाबाद से टीम मंगवाई है। मैम ये सामान्य ब्लास्ट नहीं था बल्कि असामान्य था। ऐसा ब्लास्ट फिल्मों में ही देखा जाता है, ये लोगों का कहना है, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन लोगों ने बताया। तो अभी पुलिस और जांच एजेंसियाँ किस कंक्लूजन पर पहुँची हैं अब तक? अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। कोई भी, हम लोग जब एनालिसिस करते हैं सब्सटेंसेस का, तो जब तक वो केमिकली लैब में आइडेंटिफाई ना हो जाए तब तक हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। जो प्रिलिमिनरी है, 100% कुछ केमिकल्स यहाँ पे थे और इन्होंने स्टोर कर रखे थे, क्या कर रहे थे ये अभी तक क्लियर नहीं है। जब लैब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो स्थिति एकदम साफ हो जाएगी। मैम ये राजकुमार जो है पिछले दिनों भी, चूंकि ये आतिशबाजी का काम करता था और प्रशासन ने पिछले दिनों कार्रवाई की थी और उसको जेल भेजा था, तो क्या निगरानी नहीं रखी जा रही थी उस पर? चूंकि एक बार टारगेट होने के बाद में, एक बार गिरफ्तारी होने के बाद में उसकी सतत प्रक्रिया है, उस पर निगरानी रखी जानी चाहिए। चूंकि केमिकल से जुड़ा मामला है और इस तरह का सेंसिटिव मामला है, तो कहाँ चूक हो गई मैम? अब ये, इसके लिए आप जानते हैं डीएम सर ने एक एसआईटी का गठन किया है और हम सब लोगों को उस रिपोर्ट का वेट करना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम थी। निगरानी बिल्कुल रखी ही जा रही थी, इसी वजह से इस तरह के आइसोलेटेड एरिया में और इस सुनसान सी बिल्डिंग में वो अपना काम कर रहा था या करवा रहा था किसी से। तो एक बार हम रिपोर्ट का वेट करेंगे और फिर देखेंगे किस अच्छा, तरह। अब फिलहाल जो है गिरफ्तारी का अपडेट क्या है, और मृतकों की जो संख्या है वो तो 5 ही है, लेकिन उनकी शिनाख्त हुई है, किस रूप में उनकी शिनाख्त हुई है? हाँ, 5 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, उन्हीं के घर, उन्हीं के परिवारजनों द्वारा की गई है। यहाँ का जो मेन अक्यूज आइडेंटिफाई हुआ है, राजकुमार, उसके लिए निरंतर दबिश दी जा रही है। उसने अपने परिवार के सदस्य को भी इस ब्लास्ट में खोया है, तो बाकी अभी फॉर्मली अभी तक कोई भी अरेस्ट हुई नहीं है, दबिश दी जा रही है लगातार। तो ये एएसपी अनुकृति शर्मा जी थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि तमाम जांच एजेंसियां यहाँ पहुँची हैं। कल होचपोच वाली स्थिति थी, लेकिन आज चूंकि यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर अब तक जांच एजेंसियां या अपनी जांच करने यहाँ जांच करके चली जा रही हैं, और अभी बम स्क्वाड जो दस्ता है वो अभी यहाँ मौजूद है और वो अभी जाँच रिपोर्ट सौंपेगा कि क्या स्थिति रही इसमें। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।